इसी अवधि के दौरान इसके अधिकतर देश के अधिकतर हिस्सों में बाढ़ का कहर देखने को मिलता है। बाढ़ की विभीषिका को दर्शाते बाढ़ की विभीषिका का दृश्य बहुत भयावह होता है। चारों ओर अफरा तफरी का माहौल होता है। लोग अपनी जान बचाने के लिए विफल प्रयास करते नजर आते हैं। चारों ओर बचाने का विफल प्रयास करते नजर आते हैं। चारों ओर एक गलती हो गई है, पढ़ो 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 राहुल। चारों ओर और जल प्रवाह हो जाने के कारण तैरते हुए उनके लिए भागना भी कठिन हो जाता है। जल प्रवाह तेज होने से यह नदी नदियों के तटबंध टूटने से आई बाढ़ में लोगों को अपनी जान बचाने का भी मौका नहीं मिलता। मिट्टी तथा खपरेल से बने घर त्राश के पत्थरों की तरह बाढ़ के पानी में बहते नजर आते हैं। चारों ओर चीख पुकार की आवाज़ें सुनाई देती हैं। लोग अपनी जान बचाने के लिए ऊंचे स्थानों की शरण लेते नजर आते हैं। कोई ऊंचा स्थान ना मिलने की स्थिति में लोगों को बाढ़ के पेड़ों पर भी शरण लेने को विवश होना पड़ता है। खुले आसमान के नीचे बाढ़ग्रस्त इलाके में रहना मौत को दावत देने जैसा ही होता है। ऐसी विपदा की स्थिति में नदियों से अपनी जान बचाने के लिए तैरते हुए सांप दुख और एवं भय को और भी बढ़ा देते हैं। सरकार द्वारा लोगों की जान बचाने के लिए नावों एवं हेलीकॉप्टरों से खाद्य सामग्री उन तक पहुँचाने का भी प्रबंध किया जाता है। लोग इन खाद्य सामग्रियों पर जानवरों की तरह टूट पड़ते हैं। इस तरह बाढ़ की विभीषिका मानव को पशु बनने के लिए विवश कर देती है। लोग अपनी जान बचाने के लिए कुछ भी करने को तैयार रहते हैं।